जय जगन्नाथ। मु अम्लान नायक। एबे बे जहा किछि लेटेस्ट अपडेट आसुछि उत्तर बंगोपसागर सृष्टि हेबाकु थिबा लघुचाप को नै कि आसंता 24 रु 36 घंटा मध्य रे एक लो प्रेशर एरिया ऑलरेडी सृष्टि हे जिवो। वर्तमान 12 घंटा मध्य रे ताहा एक एंटी साइक्लिनिक सर्कुलेशन बा एक घूर्णी बलय अवस्थिति रे रहिबो। परवर्ती 12 रु 24 घंटा मध्य रे ताहा एक लघुचाप रे परिणत हेबो। लघुचाप रे परिणत हेबा द्वारा आम ओडिसा रो अधिकांश जिल्ला मानकरे पाखापाखि 22 रु 24 टी जिल्ला मानकरे हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल रु अति प्रबल वर्षा, किछि किछि जिल्ला मानकरे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बा अत्यंत प्रबल वर्षा हेबार संभावना अछि। जोथि पई कि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ कड़ा सतर्क सूचना जारी करें कि फ्लाश फ्लड बा हठात बन्या परिस्थिति आसीपे आ वाटर लगिंग बा जलबंदी परिस्थिति मैक्सिमम जिला मानकरे उपजिपे स्पेशली उत्तर उपकूलवर्ती जिला मानकरे जो कि पाखापाखि 8 रु 10 टी जिला मानको ऑरेंज वार्निंग जारी कर आज आउ आसंता काली किछि किछि जिला मानकरे हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा सहित बुजुली घड़घड़ी वज्रपात संभावना मध्य अधिक अछि। सेमिति आसंता काली पाखरु नैकि रज संक्रांति ता माने पाखापाखि 15 तारिख पर्यंत आम सारा ओडिसा रे अत्यधिक मात्रा रे वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबो। एथि कि लघुचापटी अधिक घनीभूत हेबो ताहा एक डिप्रेशन बा अवपात रूप नब क्लियर सारी आउ किसी वेदर फोरकास्ट मॉडल जहाँ किसी कौन कि एक डीप डिप्रेशन बा एक गभीर अवपात में परिणत हो पाए तो जदि गभीर अवपात में परिणत हुए तो पवन रोग के वर्षार परिमाण कौ कौ जिला मानते प्रबल वृद्धि पाव कौ कौ जिला मानकर जलबंदी परिस्थिति आउ हठात बनिया परिस्थिति संभावना अच्छी एसबु को जानवाई निश्चित भिडियो को शेष पर्यटन देखु। आज नुआक चैनल को आसी चैनल को सब्सक्राइब करके पाखे आसुवा घंटी दबे कि अल कर दिंतु पर्टिकुलरली आपण जिला मानकरे आपण मानक एरिया मानकरे आगो को संभावना थी लघुचाप वर्षा बन्या बात्यार सबुठ फास्ट आउ लेटेस्ट अपडेट आपण मानक पाखरे जाई के पहुंची जीवो। सेमिति भल पाइबा जारी रखिबे। भिडियो टी को समस्ते गोटे गोटे लाइक एबे ही करि देबे। डेरी न करी आरंभ करिबा कोन एबेकर लेटेस्ट अपडेट जहाँ किसी आसूसी आम आईएमडी भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ आउ आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ कि आज आम ओडिशार अधिकांश जिला मानकरे वर्षा आरंभ होइजिबो। कालीठारु वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबो आउ आसंता 48 घंटा मध्यरे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइजिबो कोठी ना उत्तर बंगोपसागर रे जहाँकि अधिक घनीभूत हेबो डिप्रेशन रूप नब बा अवपात रूप नब आउ एक्यू वेदर आमेरिका पाणीपाग गवेषणा केन्द्र जहाँ किसी अनुमान करुछि कि ताहा एक डीप डिप्रेशन बा गभीर अवपात रूप नै पारे। पूर्वरु जेमिति कहिछि गभीर अवपात माने हेला बात्यार पूर्वरूप बात्या हेबो नाही एटा संपूर्ण मात्रा रे एबेठारु क्लियर हो जायंतु किंतु डिप्रेशन रूप नेला माने प्रबल मात्रा रे वर्षार परिमाण वृद्धि पाइज आउ ता सहित पाखापाखि 3-4 दिन पर्यंत कंटिन्यूअसली हेवी रेनफॉल बा लगातार प्रबल वर्षा आम ओडिशार अधिकांश जिला मानकरे ढाळिबो। जदि डीप डिप्रेशन रूप नेला ताहाले पवन रेग निहाति बढ़िबो पाखापाखि 100 किलोमीटर पर्यंत पवन रेग मध्ये जाई पारे ता सहित निश्चित बन्या परिस्थिति मध्ये उपजि पारे कारण एते मात्रा रे वर्षार परिमाण वृद्धि पाइजबो। किंतु प्राथमिक आकलन जहाँ किसी आईएमडी करुछि कि एहा एक डिप्रेशन बा अवपात रूप नब ता छडा आउ गोटे कारण वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब एथि कि मौसुम वायु मध्ये आसंता 2-3 दिन मध्ये आम ओडिशा आसिक पहुँची जीव तो मौसुम वायु जनित वर्षा लघुचाप जनित वर्षा आउ जेहेतु लघुचाप अधिक घनीभूत हेबो अवपात जनित वर्षा जोथिपाई कि बहुत अधिक मात्रा रे वर्षा आगो को देखिबा पई मिलिबो पाखापाखि 5-6 दिन पर्यंत। आउ आपण माने समस्त जेमिति जानती वर्तमान मौसम टिके वीक होई जायछि आउ एई जो लघुचापटि सृष्टि हेबो मौसम वायु आम ओडिसा को खूब शीघ्र आणि कि पहुँचेबो जहार प्रभाव रे लघुचाप अवपात जनित प्रबल वर्षा मौसम वायु मध्ये सक्रिय होई जायथिबो जोथिपाई कि उभय तरफरु वर्षार परिमाण आहुरी अधिक मात्रा रे वृद्धि पाइबो। आम सारा ओडिसा रे मैक्सिमम जिल्ला मानकरे सारा ओडिसा कहिबा पई गलि बि भूल हेबोनी रज संक्रांति पर्यंत प्रबल मात्रा रे वर्षा कंटिन्यूअसली लगातार लागि कि रहिबो पाखापाखि 8-10 जिला मानक ऑरेंज वार्निंग जारी कर दी जाए हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल प्रबल रु अति प्रबल वर्षा ता सहित एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल अत्यंत प्रबल वर्षा क्षय क्षति कौन हम ना वाटर लगिंग जलबंदी परिस्थिति सृष्टि हो पारे वर्षा पानी जमिक रही पारे ता सहित वाटर लगिंग सिचुएशन खालुआ अंचल रे वर्षा पानी जमिक रही पारे कृत्रिम बन्या परिस्थिति सृष्टि हो पारे आउ फ्लाश फ्लड हठात बन्या आसिबार मध्य संभावना अछि जेहेतु उपर मुंडरे प्रबल मात्रा वर्षा हेबो सेथिपाई फ्लाश फ्लड सिचुएशन को मध्य अवॉइड करिहेबो नाही। आज ठारु जो जो जिला मानकरे वर्षा आरंभ होइजिबो से सब जिला गुडकरे रहुतले निहाती जानि के रखंतु आगो को कहिबि कि लघुचाप जनित आ अवपात जनित वर्षा को जिला मानकरे सबठारु अधिक यहार प्रभाव पड़िबो। देखंतु आसंता 24 घंटा आ परवर्ती 24 घंटा ओवरऑल आसंता 48 घंटा मध्यरे आम ओडिसा रो सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर ताछडा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर ए सबु जिल्ला मानकरे सबुठारु अधिक वर्षा देखिबा पई मिलिबो। एमिति त जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयगढ़ गजपति गंजाम अनुगुल ढेंकानाल रायगढ़ कंधमाल ए सबु जिल्ला मानकरे वर्षा देखिबा पई मिलिबो किंतु बालेश्वर भद्रक केन्दुझर मयूरभंज ता सहित नवरंगपुर कोरापुट ए सबु जिल्ला मानकरे प्रबल वर्षार संभावना निश्चित मात्रा रे अछि। आज संध्या राति पाखु वर्षा आरंभ होइजिबो सेमिति आसंता काली ठारु लघुचाप जनित वर्षा सबुठारु अधिक देखिबा पई मिलिबो वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबो आउ जदि लघुचापटी डिप्रेशन बा अवपात रूप निए ताहेले खूब अधिक माने एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल निश्चित अधिकांश जिल्ला मानकरे हेबो स्पेशियली केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा
ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ତା ଛଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଓରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି କ'ଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି? ଯେମିତି କହିଲି, ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି, ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ରାସ୍ତା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, କଚ୍ଚା ଘର, ମାଟିଘର ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ତା ସହିତ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଜମିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ସଚେତନ ରହିବେ, ଆଉ ଓଭରଅଲି ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ ଆମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି କହିଲି 22-24 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଓରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଅଲରେଡି କହିଥିଲି 8-10 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଲଘୁଚାପଟି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଦିଆଯାଇଛି। 10 ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ୱେଦରରେ ଆଉ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଘଟୁଛି, ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଚା ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।